वेरी गुडर प्लेटफॉर्म आई होप आप लोगों की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होगी एंड ऑल्सो जो हम दो इम्पोर्टेंट कर डेली डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर की ठीक है तो आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ दो इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ इन इंपॉर्टेंट न्यूज के सभी फैक्ट्स सभी डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आप उसे अटेम्प्ट कर लो ठीक है तो बढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टूडे सेशन की तरफ द वेरी फर्स्ट न्यूज इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स आयुष्मान भारत, so, भारत स्कीम ठीक है आशा आंगनवाड़ी आयुष्मान भारत स्कीम, आप समझते हैं? इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरे न्यूज को डिस्कस करेंगे ऑल्सो वॉट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को डिस्कस करेंगे

पैनलमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी एंड कॉन्क्लूजन के बारे में बात करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्यूज और उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके बाद क्योंकि आशा वर्कर्स वर्कर्स एंड को इंक्लूड किया जा रहा है तो वो पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है इसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सो न्यूज में क्यों है ये सो रिसेंटली गवर्नमेंट इंक्लूड्स आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स इन आयुष्मान भारत स्कीम ऑल्सो क्योंकि इसमें इंक्लूड किया जा रहा है सो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग दी आधार कार्ड डिटेल्स ऑफ 23 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड 3 लाख ऑफ आशा वर्कर्स ठीक है आशा वर्कर्स कौन होते हैं तो इनका फुल फॉर्म देख लो आशा stands for accredited social health activist है ना जो कि सोशली सोशल शोचल, मतलब हेल्थ के लिए काम करती है ठीक है दिस एम्स टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज टू दिसल हेल्थ केयर वर्कर्स अलाइनिंग विद द ब्रॉडर गोल्स ऑफ ऑफर गोल्स ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है अब समझते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता क्या है तो सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ फ्लैगशिप हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दर टू थाउजेंड एटीनडी सेट इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल्थ कवरेज टू दुअर एंड एक्सेस टू क्वालिटी एग्नोस्टिकॉमिक स्टेटस यहाँ पे, पे देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को टू थाउजेंड एटीन में लॉन्च किया जाता है इसका मेन मोटिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहे गरीब चाहे अमीर चाहे काला चाहे गोरा चाहे किसी भी रिलीजन का हो आपको एक अच्छी हेल्थ की है ना एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जो है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो आपको मिलनी चाहिए इट हैज अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द हेल्थ केयर लैंडस्केप ऑफ द कंट्री बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी एनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस सो यहाँ पे देखिए अगर आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ठीक है ऑल्सो आपको सोशल जस्टिस भी मिलता है ये बातें भी इस पर्टिकुलर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कही गई है अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फॉर द बेनिफिशियरीज ऑब्वियस बात है जब आपको गवर्नमेंट फ्री में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियसली आपके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम होने वाला है

आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अब इसके की फीचर्स क्या है इसके की फीचर्स में देखो आपको यहाँ पे हेल्थ कवर देखने को मिले द स्कीम प्रोवाइड कवर ऑफ रूपीज फाइव लैख पर फैमिली पर फैमिली आपको फाइव लाख तक का आपको यहाँ पे सर्विसेज आप ले सकते हो किसी भी प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है ना

for almost all health condition through a comprehensive list of 1949 packages including cancer care cardiac care neurosurgery orthopedics burn management and mental disorders to yahan pe dekhiye bahut sare packages hai aisa nahi hai ki ye 5 lakh ka jo aapko government facility provide kar rahi hai ये सिर्फ चोट लगने की है ना अगर कोई cancer patient है कोई uh, mental disorder डिसऑर्डर का पेशेंट है कोई न्यूर, किसी को न्यूरो सर्जरी करानी है तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर होने वाले आई टी प्लेटफॉर्म अब आई टी सपोर्ट क्या है इसका देखते हैं है ना तो द स्कीम स्कि रोबोस्ट आई टी प्लेटफॉर्म टू इंश्योर सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेस एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड अब्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंश्योरिंग कि इससे रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो है ना द प्लेटफॉर्म इंक्लूड फीचर्स सच एज बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन नंबर हॉस्पिटल इन मॉड्यूल

तो मेरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होने वाली है मुझे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मैं ऑलरेडी कि नहीं तो पूरी तरीके से यहां द सपोर्ट ऑफ आई टी हॉस्पिटल थाउजेंड इम पैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस कंट्री आउट ऑफ विच मोर देन हाफ आर प्राइवेट हॉस्पिटल सो इन दिस पर्टिकुलर प्रधान स्किम 27,000 हॉस्पिटल्स को कवर किए जा रहे हैं जिसमें से मैक्सिमम हॉस्पिटल्स प्राइवेट है जनरली हमारी ये सोच होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होती है तो और इसीलिए गवर्नमेंट इस ने ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यहाँ पे एमपैनल्ड किया है स्कम ऑल्सो इंकरेजेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ट्रस्ट बेस्ड मॉडल्स इंश्योरेंस हाइब्रिड मॉडल इम्प्लीमेंटेशन तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ऑल्सो देखिए पोर्टेबिलिटी की बात करूं द स्कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी फीचर विच मीन दैटिफिशरी रजिस्टर्ड इन वन स्टेट कैन अवेल सर्विस इन एनी अदर स्टेट तो ऐसा नहीं है सपोज मैं कोलकाता का हूँ वेस्ट बंगाल का हूँ और मैं प्रेजेंट में देहरादून में रह रहा हूं एंड आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू दिस पर्टिकुलर स्किप तो मुझे देहरादून में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी मैं किसी भी स्टेट के कोने में रहूं किसी भी स्टेट में रहूं अगर मैं वहां पे इस पर्टिकुलर स्किप में रजिस्टर्ड हूं तो मैं यहां के अपनी सर्विसेज ले सकता हूं या मैं वहां का हूं तो यहां भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर स्किम आरोग्य मित्र सेंटर्स है स्किम हैज अ डेडिकेटेड वर्क फोर्स ऑफ प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रास हमारी इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो की इलिटरेट है अब इिटरेट लोगों को डर लगता है कि यार कैसे मैं करूंगा कैसे मैं करूंगी है ना तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आपको डायरेक्शन देने के लिए

मुझे रिलीज कर दिया गया जब मैं घर पहुंचा तो विदिन फोर्टी एट आवर्स आपके पास कॉल आएगा इनके कॉल सेंटर से एंड दे विल बी आस्किंग यू कि हाउ डू यू लाइक द मेडिकल फैसिलिटी है सर्विसेज। अनदर कॉल नो अबाउट द प्रोग्नोसिस तो यहाँ पे फिफ्टीन डेज के बाद भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी

तो इसको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये चीजें जो है इंप्लीमेंट की जा रही अब द क्लेम प्रोसेसिंग इज कंप्लीट अब इसमें बहुत सारे क्लेम्स है ठीक है बहुत सारे यहां पे भैया क्लेम्स आपको देखने को मिले अब जैसे ये पूरी तरह एंटी फ्रॉड है द हैज़ अ नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट दिस पर्टिकुलर आल्सो हैव अ यूनिट

आपको टीम्स देखने को मिलेगी और ये टीम्स ऐसी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू ये पता लगा लेती है कि फ्रॉड्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे सो रिसेंटली so, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें टू हॉस्पिटल्स को यहाँ पे कैंसल आउट किया गया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे मिसहिंग एंड मैल प्रैक्टिस चल रहे थे बहुत सारे इनोवेशन हैं So, क्चर मिशन आयुष्मान भारत, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अवार्ड तो बहुत सारे यहाँ पे इनिशियेटिव को लॉन्च किया जा रहा है ताकि ज्यादातर लोगों तक ये चीजें पहुंचे

Uh, आशा वर्कर्स को भी यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है दैट exactly. क्लियर <clears throat> अब प्रोग्रेस एंड इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन ये तो हमने बात किया ये हमने स्कीम के बारे में बात कर लिया अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को जो इंप्लीमेंट किया जाएगा इनको जो इंक्लूड किया जाएगा तो वो पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है इसके भी समझ लेते हैं तो प्रोग्रेस एंड इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन The Health Ministry has received details of 23 lakh आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स and 3 lakh आशा वर्कर्स है ना ये बात हमने already बता दी Health Secretary Apurva Chandra has stated that the government aims to have their cards ready by the end of the month coinciding with the scheme commencement on March 1 तो यहाँ पे इन सभी लोगों को 23 आंगनवाड़ी वर्कर्स 3 लाख आशा वर्कर्स को इनके कार्ड्स इस इस पर्टिकुलर स्कीम में कार्ड इशू होता है हर फैमिली को एक कार्ड मिलती है जिससे वो फाइव लाख तक की सर्विसेज ले सकते हैं पूरे साल में तो उनको कार्ड्स यहां कर दिए जाएंगे फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तक स्कोप एंड कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत स्कोप क्या है तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम ऑफर्स हेल्थ कवरेज टू फाइव लैक्स पर फैमिली ठीक है एनुअली टू इम एंड वर्नेबल फैमिलीज

तो आशा वर्कर्स की बात करूं तो आशा वर्कर्स हमारे सोसाइटी को इन्हांस करने के लिए हमारी सो, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम करती हैं जैसे आप आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सो आशा वर्कर्स प्ले अ क्रूशल रोल एज फैसिलिटेटर्स मोबाइल मोबाइल एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कम्युनिटी लेवल केयर आर इंटीग्रल टू वेरियस कम्युनिटी access to टू हेल्थ केयर during the ड्यूरिंग द कोविड तो इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन और इसलिए इनको इसमें इंक्लूड करना इस पर्टिकुलर सर्विस में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता Statistics क्या बताती है एज ऑफ दिसंबर 31st 2023 और रिपोर्ट बता रही है

तो so करंटली 55 करोड़ इंडिविजुअल्स फ्रॉम 12 करोड़ फैमिलीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ड 55 करोड़ इंडिविजुअल्स फ्रॉम 12 करोड़ फैमिलीज आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम ठीक है तो इसकी कवरेज आप देखोगे काफी ज्यादा वास्ट है द गवर्नमेंट हैज इशूड एप्रोक्सीमेटली 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड एज ऑफ दिसंबर 20

ज्यादा वुमेन्स आपको देखने को मिली जिनके पास कार्ड होल्डर्स है आउट ऑफ ऑल द कार्ड द गवर्नमेंट इसमें से 49 जो है है ये वुमेन्स देखने को मिलने वाली ठीक तो हमने क्या डिस्कस किया पहले हमने न्यूज पढ़ा न्यूज ये था कि रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू तो इंक्लूड द आशा वर्कर्स एंड आल्सो द आंगनवाड़ी वर्कर्स इन द आयुष्मान भारत स्कीम ठीक है सो तो पहले हमने आयुष्मान भारत स्कीम को डिस्कस किया उसके क्या स्कोप है उसके क्या फीचर्स हैं कैसे वहां पे फ्रॉड्स नहीं होते और फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही लेटर हमने देखा कि कैसे वर्कर्स वर्कर्स एंड लाख आशा को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा वो क्या प्रोसेस होने वाला है आंगनवाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स की पॉपुलेशन कितनी है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ये सारी चीजें हमने डिस्कस की अब बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे न्यूज की तरफ दूसरा न्यूज है सीए सीएए लाइकली टू बी इंप्लीमेंटेड बिफोर एल एस पोल्स लोकसभा आप सभी को पता है कि इंडिया में जनरल असेंबली होने वाली है और रिसेंटली तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम हैज अफेयर कि हम सी ए को किससे पहले इंप्लीमेंट कर देंगे तो लोकसभा इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट कर देंगे तो आइए समझते सीएए है क्या ये 2019 में भी काफी ज्यादा न्यूज में थी जब इसे इंप्लीमेंट किया गया था इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था सी एंड एनआरसी के खिलाफ तो उन दोनों मुद्दों को समझेंगे एंड रिसेंटली क्या न्यूज है उसको भी डिस्कस न्यूज़ ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे क्लेम दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच इज सी विल बी इंप्लीमेंटेड बिफोर द लोकसभा इलेक्शन

सी ए ए प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू सिक्स अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसी ऐसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ठीक है ऐसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो कि हिंदूज हैं सिख्स हैं बुद्धिस्ट हैं जैन हैं पार्सि हैं एंड क्रिश्चियस हैं जो कि पाकिस्तान से आ रहे हैं अफगानिस्तान से आ रहे हैं बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको हम क्या देंगे भैया सिटीजनशिप देंगे बट वो आ कब तक रहे हैं Who entered India on or before 31st December 2050. है ना? ऐसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जैसे कि सिक्स हिंदूस बुद्धिस्ट जैन पारसीज, क्रिश्चियंस जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश में माइनॉरिटी में और वो इंडिया आए हैं टू से पहले उनको हम क्या देंगे सिटीजनशिप देंगे

अपनी सिटीजनशिप यहां पे प्रूफ करनी पड़ेगी ठीक है इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट अब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन बांग्लादेश आफ्टर ट्वेंटी फिफ्थ मार्ची वन बी डिपोर्टेड ठीक है तो, तो भैया असम के अंदर एक अकॉर्ड चलता है नाइनटीन एटी फाइव का जिसमें कहा गया

टल राइटिक्स इट इज ऑफ आर्टिकल इक्वल टू बोथ दिटीजन एंड फॉरनर्स तो आ, ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट विच इज आर्टिकल फोर्टीन जो की गारंटी करता है कि सिटीजेंस एंड फोरनर्स के लिए जो आ, राइट है है ना वो सेम होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए बिफोर द लॉ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर इंडिया है in Lanka, covered, covered so that, कि सिर्फ जो मुस्लिम्स <coughs> हैं इनको टारगेट किया जा रहा है वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो कि श्रीलंका से कुछ बहुत सारे तमिल्स आए हैं है ना तमिल एलम के टाइम के ठीक है और रोहिंग्या आए हैं म्यांमार से तो इनको इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड नहीं किया जा रहा डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोस परसिक्यूटेड तो इलीगल माइग्रेंट्स और परसिक्यूशन परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स में यहां पर डिफरेंशिएट करना गवर्नमेंट को दिक्कत होने वाला है बायलैटरल टाइज कंट्रीज के बीच में अफगानिस्तान बांग्लादेश है ना पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल टाइज है ये जो है हम्पर होने वाली है

बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड उनको कोई भी जानकारी नहीं है और सीधा क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को साफ शब्दों में लोगों को समझाना कि इज इज द गोइंग टू बी मतलब यहाँ पे सीए के अंदर क्या होने वाला है किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा किन लोगों को नहीं किया जाएगा ठीक है तो आई होप ये न्यूज भी आपको क्लियर हो गया होगा तो पहले न्यूज में हमने देखा आशा वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है ऑल्सो इस वाली न्यूज में हमने ये देखा कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हमनेटलीम अफेयर कि हम सी ए जिसके ऑलरेडी पास कर दिया गया था 2019 में अब हम इसे लोकसभा इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट करने वाले ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा इससे रिलेटेड डाउट्स आप क्लास के बाद भी मतलब इससे रिलेटेड डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तो मैं शुभम सिंह आपसे अलविदा लेता हूं जय हिंद जय भारत